नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 28 नवंबर 2019, और यहां पर हम लोग निफ्टी आईटी स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। जितने आईटी स्टॉक्स हैं सबको देखेंगे, किस लेवल पे खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस, आगे हमारा उसमें क्या व्यू बन सकता है। दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज एक वीडियो डाला है दोस्तों, वो मैसेज वाला वीडियो है कि जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाइए, डिसाइड योर लिमिट। उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें कुछ आम लोगों की सोच, किस तरह से मार्केट को सोचते हैं और क्या सोच के ट्रेड करते हैं आते हैं, उस चीज़ के बारे में वहाँ पे मैंने बताया है, और आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट भी उसमें किया है, तो जरूर उस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एससीएल टेक का पहला स्टॉक्स है। एससीएल टेक को मैंने जब बोला है कि 1130 के नीचे सेल करने और 1100 का टारगेट इसने डन कर दिया, ठीक है। 1100 का टारगेट इसने परसों ही डन कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हमारे लिए अभी इसमें कुछ नहीं बचा, अब हम लोग सिर्फ इसका नाटक देख सकते हैं, यानी कि सिर्फ लिस्ट नजर पे रख सकते हैं। जब तक किसी खास लेवल को ब्रेक ना करे, हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। और वो खास लेवल क्या होगा, वो खास लेवल कुछ इस प्रकार से आएगा। ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है इसके पास, ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस है। इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है ना, शॉर्ट टर्म अगर ये ब्रेक करता है 1150 को, तो फिर 1170 तक का टारगेट देगा वापस। ये हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से टकरा के ये फिर नीचे आ जाए, तो अभी हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। दूसरा कोई पोजिशन बनाने का भी इस पर नहीं सोचना है दोस्तों। यहाँ कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, आप हमेशा इस बात को याद रखें। दूसरा स्टॉक है दोस्तों हेक्सावेयर। 400 के ऊपर निकलेगा तभी बनाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। 400 के ऊपर निकलेगा तो सेफ पोजीशन बनता है, फिर उसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, फिर 30-40 पॉइंट के लिए आराम से इसमें बनेगा, लेकिन 400 के ऊपर अभी इसमें सिर्फ नजर बना के रख सकते हैं। इंफीबीम टारगेट डन कर चुका है, दो टारगेट था, दोनों टारगेट इसने हम लोगों का डन कर दिया इंफीबीम ने, तो इंफीबीम में अभी हम लोग होल्ड करके अब नजर पे रखेंगे। नया पोजिशन बाय का अगर बनाना होगा तो 54 के ऊपर बनाएंगे 60 के टारगेट के लिए। सेल का पोजिशन बनाना होगा तो 50 के नीचे ब्रेक करेगा, तो अगर 46 के टारगेट के लिए सेल साइड का पोजिशन बनेगा। इंफोसिस अभी भी उसी लेवल पे अपने आप को बहुत रजिस्ट कर रहा है, 690 का एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, सपोर्ट है, उस सपोर्ट प्राइस के पास ये अपने आप को कंप्लीट होल्ड कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस भी ले रहा है ना, एक ट्रायंगल पैटर्न को डेवलप कर रहा है। इसी ट्रेन लाइन को हम आगे की ओर भी अगर बढ़ा दे तो आप यहां से देखेंगे इसी ट्रेन लाइन का सपोर्ट था जो कि फिर ऊपर की तरफ गया, तो यहां ट्रायंगल पैटर्न भी डेवलप कर रहा है। इसको ब्रेक करता है अगर अपसाइड की तरफ इसको जाना है तो ब्रेक करना पड़ेगा दोस्तों, कम से कम 715 से 720, फिर हमारे पास 760 का टारगेट आएगा। नीचे अगर ये 685 को ब्रेक करता है तो एक बार ये 660 तक के लेवल दिखा सकता है। OFSS ने सारे टारगेट डन कर दिए, जैसा कि मैंने कहा था 3100 के नीचे सेल करेंगे तो 2900 तक का एक टारगेट आएगा, उस टारगेट को इसने डन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो मैंने बोला भी था कि यहाँ पे ये अपने आप को टाइम बिताएगा, और वही कर रहा है, वो बिल्कुल सस्टेन कर रहा है अपने आप को। तो अभी हम लोग भी बिल्कुल इसके साथ टाइम बिताएंगे, यानी कि सिर्फ इसको नजर पे रखेंगे। नीचे नया पोजिशन कब बनेगा, अब जब तक ये 2850 का, जब तक ये 2850 को ब्रेक नहीं करता है नीचे, कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे सेल का। 2850 ब्रेक करेगा 2750 का टारगेट, और ऊपर अगर ये 2900 को ब्रेक करता है तो 3000 तक का टारगेट आपको, सॉरी 3000 को अगर ब्रेक करेगा तो 3100 तक का एक टारगेट वापस से देखने को मिल सकता है OFSS में। टाटा इलक्सी का चार्ट थोड़ा गड़बड़ है, तो मैं इसकी एनालिसिस दूसरे जगह कर देता हूँ दोस्तों। टाटा इलक्सी का यहाँ पे लेवल है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ चार्ट ऐसे हैं जो मेरा वहाँ पे गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पर मैं इसको दिखा देता हूँ। टाटा इलक्सी दोस्तों ऊपर की तरफ में, जैसा कि दिख रहा है टाटा इलक्सी का चार्ट खोलना है मुझे। टाटा इलक्सी बिल्कुल कहीं पे पोजिशन बनाने का लायक अभी जगह पे नहीं है। नीचे सेल का पोजिशन बनेगा अगर हम लोग 780-785 ज्यादा करें, ज्यादा सेफ है 780 के नीचे से, जैसे ही ये निकलता है तो कमजोर हो जाएगा 780 के नीचे, फिर इस गैप को ये फील करने आ सकता है टाटा इलक्सी। नजर पे रखिएगा, गैप को फील करने टाटा इलक्सी आ सकता है। अगर ये 780 को ब्रेक करेगा तो फिर 760 तक के लेवल दिखाएगा। ऊपर जब तक ये 820 को ब्रेक ना करे कोई पोजीशन नहीं बनाएगा, 820 को ब्रेक करेगा क्लोजिंग बेसिस पे 860 तक के टारगेट दिखा सकता है टाटा इलक्सी। अगला स्टॉक है माइंडट्री। देखिए माइंडट्री फिर उसी तरह से अभी भी बिल्कुल कहीं कुछ नहीं कर रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन है इसके पास, इस ट्रेंड लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, तो आप जरा ध्यान से देखें, इसी ट्रेंड लाइन का इसको सपोर्ट है ना, बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है माइंडट्री वापस से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आ जाए, तो अभी लॉन्ग पोजिशन बनाने का नहीं सोचना है इसके ऊपर। अगर ये हमें कहीं 680 के आसपास मिले ना, तो एक बार लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, वहां से फिर हमारा टारगेट 720 होगा। अगर अभी पोजीशन बनाने का देख रहा हूं तो 720 को जब तक क्लोज ना करे तब तक कोई पोजीशन नहीं बनेगा। 720 के ऊपर अगर पोजीशन बनता है
तो फिर हमारा 780 तक के एक टारगेट देखने को मिल सकता है माइंड ट्री में। विप्रो का चार्ट यहाँ पे सही नहीं है, विप्रो भी थोड़ा गड़बड़ है, तो विप्रो को मैं यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। विप्रो का लेवल बिल्कुल वीक ही है, जैसा कि नीचे कहा था 230 तक के एक सपोर्ट लेवल आपको दिखा सकता है विप्रो में, तो विप्रो बिल्कुल वही कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया 250 को नीचे की साइड में बिल्कुल कमजोर हो गया, और 230 तक का लेवल था, तो 237 का इसने लो लगाया। अभी बिल्कुल देखिए इस बड़ी कैंडल के शैडो में, एक बड़ी कैंडल के शैडो में जब तक रहेगा, यानी ऊपर 245 ब्रेक करेगा तब पोजिशन बनाएंगे 255 के टारगेट के लिए, नीचे अगर 235 ब्रेक करेगा तो एक बार 230 और 225 के टारगेट के लिए सेल का पोजिशन बनेगा विप्रो में। अगला स्टॉक है दोस्तों टेक महिंद्रा, इसका भी चार्ट गड़बड़ ही है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा नो ट्रेडिंग जोन में बिल्कुल अपने आप को ये होल्ड कर रहा है, या समझिए कि टाइम वाइज अपना करेक्शन कर रहा है, इस जगह पे इसको नजर पे रखेंगे। हाँ, एक ट्रेन लाइन का नीचे से सपोर्ट इसको जरूर है, और ऊपर से रेजिस्टेंस है, यानी ट्रायंगल पैटर्न है। नीचे अगर 760 ब्रेक करेगा तो 740 का टारगेट, ऊपर अगर ये 775 ब्रेक करता है तो 790 तक का टारगेट दिखा सकता है टेक महिंद्रा। अगला स्टॉक है दोस्तों टीसीएस का, तो इसका भी चार्ट थोड़ा गड़बड़ी है टीसीएस, तो मैं यहाँ टाटा कंसल्टेंसी को देख लेते हैं। टीसीएस नो ट्रेडिंग जोन में, टीसीएस जब तक 2100 को ब्रेक ना करे क्लोजिंग बेसिस पे कोई हाथ नहीं लगाएंगे। 2100 को ब्रेक करेगा तो फिर हमारे पास जो टारगेट निकल के आएगा वो लगभग 2160 तक का टारगेट दिखा सकता है टीसीएस। अगला स्टॉक है टीसीएस के बाद दोस्तों हमारे पास जस्ट डायल का। चलिए जस्ट डायल ऊपर की तरफ 580 अगर ब्रेक करता है, हालांकि मैंने 560 के ऊपर पोजीशन के लिए बोला था, और 560 के बाद 580 का टारगेट, तो बिल्कुल सही जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 580 को ब्रेक करता है ना, 580 को ब्रेक करेगा तो एक बार 620 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है जस्ट डायल में। एनआईटी टेक अच्छे जगह पर खड़ा, सपोर्ट अपने आप को होल्ड कर रहा है, पिछला जो इसका सपोर्ट था जिसको इसने ब्रेक करके ऊपर की तरफ भागा था, आप यहाँ से देखिए कितना अच्छा पैटर्न बना। मैंने इसको दिया भी था पोजिशनल कॉल में, सारे टारगेट डन हो गए थे, और वापस से अब उसी पैटर्न को ये अब रिपीट कर रहा है ऊपर से, पहले नीचे से ऊपर की तरफ रिपीट किया, अब ऊपर से नीचे की तरफ रिपीट कर रहा है, पहले नीचे से ऊपर, अब ऊपर से नीचे। तो आप ये देखिए इस पैटर्न को, ये जैसे ब्रेक करेगा डाउन साइड में क्लोज करेगा तो कमजोर हो जाएगा ये स्टॉक। अगर ये नीचे की साइड में क्लोज करता है 1470 को तो ये कमजोर हो जाएगा, जो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा 1400 तक का। ऊपर यहाँ से एक बाउंस बैक मिलने की भी पॉसिबिलिटी है, तो बाउंस बैक कब लेंगे, जब बाउंस बैक हमारे पास 1550 को ब्रेक करेगा या 1520 को ब्रेक करेगा, तो 1550 के टारगेट के लिए पोजीशन बनेगा। 1550 को ब्रेक करेगा तो 1600 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है एनआईटी टेक। तो दोस्तों ये था निफ्टी आईटी स्टॉक्स पे मेरा व्यू, अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।